नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अंशु चंद एक बार फिर से नए ब्लॉग को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इससे पहले मैं अपना ब्लॉग चालू करूँ, मेरे चैनल डॉक्टर अंशु ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें। ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसी मकान के पीछे आज हमें जाना है और वहाँ पर हमारे एक मित्र हैं जिनकी भैंस की हमें AI करनी है। और ये वो भैया खड़े हैं जिनकी भैंस की हमें AI करनी है। और इसी के जस्ट पीछे जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, इसी से होते हुए हम पीछे जाएंगे और जानवर को देखेंगे कहाँ पर है। जहाँ तक पता चला है कि शायद भैंस चरने के लिए छोड़ दी गई है, तो पहले तो देखना पड़ेगा कि वो अपनी जगह पर है या नहीं है। बहुत ही अंधेरा और सकरा रास्ता, इससे होते हुए पीछे मैदान की तरफ जाएंगे हम लोग। देखिए अब हम पीछे मैदान में आ गए हैं और जब तक हम लोग भैंस को ढूंढते हैं, आप प्लीज़ एक बार फिर से हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि हम नए नए वीडियो बना के आपके सामने लाते रहें और दिखाते रहें कि फील्ड में वेटनरी प्रैक्टिस कितनी मुश्किलों भरी होती है। शायद जानवर दिख नहीं रहा है, यानी वो भैंस चरने के लिए छोड़ दी गई है, दिख नहीं रही है ये भैंस। नहीं नहीं, ये नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब ये जा रहे हैं उस भैंस को पकड़ने। इनके दो भाई और हैं जो भैंस को पकड़ने गए हैं। हम दिखाते हैं कहाँ पर हैं वो। ये नीचे जो खेत दिख रहे हैं आपको, यहाँ से नीचे उतर कर जाना हमें। ओह गाय माता, प्लीज़ साइड हो जाइए। ये देखिए नीचे नीचे बिल्कुल नीचे जाना है और वो बहुत दूर यमुना नदी के किनारे, वो जानवर जो चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं उन्हीं में से इनकी भी भैंस है। बताइए कितनी दूर निकले, कितनी मुश्किल है। मतलब पहले जानवर को ढूंढो, उसके बाद पकड़ो, फिर AI करो। बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ कि वो कितनी ज़्यादा दूरी पर हैं। ये देखिए आगे दो बकरियाँ चल रही, उसके पीछे जो भैंसें दिख रही वो भैंसें हैं। वो भैया अब लाएंगे पकड़ के, फिर उनकी AI करूँगा मैं और फिर उसके बाद यहाँ से निकला जाएगा। यहाँ से जाएंगे हम लोग आनूपुर मोड़, हमारे मित्र हैं एक मोहन मेडिकल स्टोर वाले, उनके यहाँ मिलने जाएंगे। और AI ख़त्म करके अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आनूपुर मोड़ के लिए। रोड आप देख पा रहे हैं कितनी अच्छी हैं हमारे यहाँ, चूँकि रोडें बहुत अच्छी हैं, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। आपको कितने भी टाइम कहीं भी आना जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। किसी भी टाइम आप कहीं भी आ जा सकते हैं बिल्कुल आराम से। शायद स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो गई है तो बच्चे अपने घर की तरफ वापस लौट रहे हैं। ये देखिए कुछ बच्चे साइकिल से वापस आ रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ से होते हुए हम लोग सीधे पहुँचेंगे आनूपुर मोड़, जहाँ पर हमारे मित्र मोहन का मेडिकल स्टोर है, मोहन मेडिकल स्टोर नाम से। वहाँ पहुँचेंगे और उनसे कुछ दवाइयाँ लेनी है। और अब ये देखिए हम लोग, ये हाईवे सागर मार्ग जिस मैंने पहले ही बताया था आपको, और ये मेरी बाइक। और अब हम आ चुके हैं मेडिकल स्टोर पर। ये सामने देखिए मोहन मेडिकल स्टोर, ये है मोहन भैया हमारे, गोलू मोलू मुस्कुराते हुए स्वागत कर रहे हैं हमारा। खैर दवाइयाँ ले ली गई हैं और यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा सरगांव, जहाँ पर एक अड्डे की हमें तोंदी का ऑपरेशन करना है जो पक गई है। और यहाँ से हम लोग सीधे उसके पास पहुँचेंगे और उसका ऑपरेशन करेंगे, फिर उसके बाद अपने गांव निकलेंगे वहाँ से। तो जैसा मैंने पहले ही बताया कि हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी, बिना हेलमेट का सड़क पर मत आइए। और हेलमेट लगा के चूँकि अब सागर मार्ग पर चढ़ चुके हैं, हाईवे है तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। अब आ गए हैं सागर मार्ग, यहाँ से सीधे जाएंगे अपने गाँव के पास, एक गाँव है सरगाँव, वहाँ पर पड्डे की हमें एक तोंदी का ऑपरेशन करना है। ये वो पड्डा है जिसका हमने अभी ऑपरेशन किया है तोंदी का, और बहुत ज़्यादा पस था, पस ड्रेन कर दिया गया है और अब ये ठीक है। अब वापस यहाँ से निकल चुके हैं क्योंकि ये थोड़ा सा पुराने समय का भी खरंजा वाला मार्ग है। यहाँ से होते हुए अपने गांव पहुँचेंगे। अब की साल पानी बहुत ज़्यादा बरसा है, इसलिए सब देखिए खेतों में भी वाटर लॉक है, पानी भरा हुआ है, लेकिन हरियाली पर्याप्त है, चारों तरफ अच्छी हरियाली है। तो खैर सफ़र है, चलते रहना काम हमारा, और दिन भर का यही शेड्यूल हमारा, यहाँ जाना वहाँ जाना, जो भी जहाँ से कॉल कर देता है वहाँ पहुँचना। अब यहाँ से हम सीधे डामर रोड पहुँचेंगे। ये देखिए अब हम आ गए पक्के डामर रोड वाले मार्ग पर, ये सीधे हमारे गांव से कनेक्टिविटी करता है और ये हम अपने गाँव की तरफ मुड़ रहे हैं। आ गए हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखिए अपने गाँव में चढ़ दिए हैं, तो इससे पहले कि गाँव पहुँचें और अपने इस ब्लॉग को फिनिश करें, प्लीज़ एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ये बाजरे की फसल हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, ज़्यादातर लोगों ने बाजरा अपने बोया हुआ है। ये देखिए आप देख सकते हैं
कितना अच्छा फसल हो रखी है बाजरे की। बस कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम जहाँ निकलेंगे, क्योंकि यहाँ से इस कदम अपना ब्लॉग ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी करेंगे। बहुत ही पास है हमारा घर, यहाँ से ये हमारा बगीचा है, निकल चुके हैं। तो फिलहाल आपसे अलविदा लेते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।